दो साल बाद क्रिकेट का महामुकाबला होने जा रहा है जिसमें भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। अक्टूबर नवंबर में यूएई और ओमान में होने जा रहे टी20 विश्व कप में एक ही ग्रुप में रखा गया है भारत और पाकिस्तान को। इस समय की बड़ी खबर, आईसीसी ने 2020 वर्ल्ड कप के लिए ग्रुप में टीमों के नाम जारी कर दिए हैं। बड़ी खबर, दो साल बाद आमने सामने होंगी भारत पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें और बहुत ही रोचक हो जाता है ये मुकाबला जब भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होती हैं क्रिकेट के स्टेडियम में। एक तरफ खिलाड़ियों का मुकाबला हो रहा होता है और दूसरी तरफ दर्शकों का मुकाबला होता है। तो 2019 के बाद से ही भारत और पाकिस्तान का कोई क्रिकेट मैच नहीं हुआ है और अब दो साल बाद आमने सामने होंगी भारत पाकिस्तान की टीमें। आईसीसी ने 2020 वर्ल्ड कप के लिए ग्रुप में टीमों के नाम जारी कर दिए हैं और भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में है। कुंतल चक्रवर्ती ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। कुंतल, ये मुकाबला बहुत रोचक होता है तो कहीं ना कहीं दर्शकों के लिए ये अच्छी खबर है कि एक ही ग्रुप में है और भारत पाकिस्तान का मैच एक बार फिर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, दो साल के बाद, इससे पहले 2019 में मैनचेस्टर में भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबला हुआ था वर्ल्ड कप में और टी20 वर्ल्ड कप में इस बार मुकाबला है। आईसीसी कुछ ही देर पहले ग्रुपिंग्स सामने लाए हैं। ग्रुप दो में भारत और पाकिस्तान को एक साथ रखा गया है, बाकी टीमें हैं न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान और दो क्वालिफायर टीमें। तो ये मैच अरब अमीरात में होगा या ओमान में होगा ये इसके आगे पता चलेगा, लेकिन भारत बनाम पाकिस्तान मैच हो रहा है। अक्टूबर नवंबर में टी20 विश्व कप है और इससे बड़ा मुकाबला क्रिकेट में नहीं है। और आईसीसी टूर्नामेंट की बात करें तो भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबलों में भारत हर मुकाबला भारतीय टीम ने जीते हैं सालों से, एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि पाकिस्तान आईसीसी टूर्नामेंट में भारत पर आई। इस बार भी उम्मीद यही रहेगा भारतीय फैंस का, इस बार मुकाबला भारत ही जीते, लेकिन भारत बनाम पाकिस्तान क्रिकेट का महामुकाबला फिर से दो साल बाद आईसीसी टूर्नामेंट में। बहुत बहुत धन्यवाद कुंतल चक्रवर्ती इस पूरी जानकारी के लिए। तो आतंक के साथ खेल क्यों, एबीपी न्यूज के बड़े सवाल। पाकिस्तान ने पिछले दिनों जिस तरीके की हरकतें की हैं, जम्मू में लगातार पाकिस्तानी ड्रोन देखे जा रहे हैं, परसों ही पुलवामा में पाकिस्तानी आतंकवादी मारा गया, पाकिस्तान घाटी में लगातार आतंकी साजिशें रच रहा है। सवाल यही कि आतंक के साथ खेल क्यों, बातचीत नहीं तो फिर खेल। ABP News, आपको रखे आगे।